चलो बेटा शुरू करते हैं अपना प्यारा प्यारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बचपन से चैप्टर बहुत पसंद रहा है ना? बहुत इजी हो जाता। इस साल नहीं है, इस साल नहीं होगा ऐसा। इजी अभी भी है, स्कोरिंग भी है, बस थोड़ा सा अपर लेवल है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये बताने की जरूरत है किसी को? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग? अच्छा, अब हम टर्म्स जानने हैं बेटा। जिसको टर्म्स ना पता हो मेरे को बताना। पहला टर्म है इवेंट। इवेंट पता है? इवेंट क्या होता है? इवेंट कोई चीज अकर की वो फ्रीक्वेंसी होती है। इवेंट बेसिकली, इवेंट में बोलूं कोई चीज जिस चीज की प्रॉब्लम निकाले उसे इवेंट बोलते हैं, अकरेंस को बोल लेते हैं। चलो अकरेंस की बात बड़ी करी, इवेंट। इवेंट बताया सबको या नहीं? राइट। अच्छा एक वर्ड आता है, सेकेंड वर्ड इज सैंपल स्पेस। किसी को ये पता है सैंपल स्पेस? ये क्या होते हैं? टोटल आउटकम्स। एग्जैक्टली, पढ़ा है लास्ट ईयर। सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं, टोटल आउटकम। लेट्स से मैंने एक डाइस थ्रो करा, मेरे आउटकम्स क्या आएंगे बेटा जल्दी बताओ? 1, 2, 6। बिल्कुल सही कहा, टोटल आउटकम्स। राइट। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक यही है हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो? एनीवन? अब ये सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको पहले लिख पा रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा, ध्यान से लिखना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। क्या मतलब है? कोई बता सकता है? एक सेकेंड, ऑनलाइन इन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या गिवन है मेरे बच्चा? इवेंट, सॉरी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालना। गिवन है इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, है ना? चलो अब एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए वरदान है जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जिनके मैथ्स में कंपार्टमेंट आती है, या जो चाहते हैं कि मैं मैथ्स बस पास कर लूँ, पर ज़्यादा मेरे को इस दुनिया से कोई लालच नहीं है, ठीक है? उन बच्चों के लिए चैप्टर वरदान है, और ये चैप्टर श्राप बन सकता है अगर आपने इस चीज़ को नहीं करा, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर इसके फादर जी हैं। हिंदी अनुवाद कर ले। अब पहला पॉइंट, अ डाइस थ्रोन। मान लो मैं कहता हूँ डाई, डाई बोलते डाइस को, मान लो डाइस हमने थ्रो करा, मेरे को जल्दी से बताओ आउटकम्स क्या आते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होगा? बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक क्लियर? अब ध्यान सुनना, मैं कहता हूँ ए, ए है इवेंट क्या? ए नंबर ग्रेटर देन 3, क्या नंबर ग्रेटर देन 3? राइट, एक इवेंट है जिसमें क्या है बेटा, नंबर ग्रेटर देन 3, क्या आ जाएंगे? 4, 5, 6। अब मान लो मैं अब आपको बोलूं बेटा, मान लो एक इवेंट बी लेते हैं, इवेंट बी लेते हैं, और मैं आपको कहता हूं क्या बोलते हैं, इवन नंबर, क्या इवन नंबर? ध्यान सुनना, मैंने बोला क्या ए क्या है नंबर ग्रेटर देन 3, राइट? अब मैं कह रहा हूं एक इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, ये इवेंट हो गया कि हमने क्या निकाल लिए, 3 से बड़े नंबर। अब मैं कह रहा हूं इसमें से इवेंट बी होने के चांस क्या है, इसमें से इवन नंबर आने के चांस क्या होंगे, बताओ? दो, क्या बने आउटकम, प्रोबेबिलिटी क्या बनी खुद बताओ? 2/3। जिस इसने 2/3 बोला उन सब का आंसर सही है। यही पॉइंट क्लियर हुआ? कंफ्यूजन ऑनलाइन, ऑनलाइन में कंफ्यूजन है, राइट? एक मिनट, फेशियल एक्सप्रेशन तो देख लो जरा, कैमरा ऑन करो अपना सबके सब। हाँ
हाँ जी, तो मैंने बोला एक है, दोबारा समझ लो, एक इवेंट हो गया, इसमें से दूसरा इवेंट होने के चांस क्या है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर क्या हो जाएंगे इसमें, 4, 6। अब इसको लिखते कैसे सुन लो, पी बी बाय ए कितना हुआ, बी बाय यानी 2/3। पॉइंट क्लियर हुआ, ये इसके मीनिंग, बी मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं वो, और ए जो बाद वाला होता है उसे गिवन बोलते, क्या बोलते बेटा, कि ये हो चुका है, और जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है वो पहले लिखते हैं। बोलो यहां तक क्लियर, ओके। अब इसका फॉर्मूला जरा सा डाउट हो हैंड रेज कर देना, इसके मामले में चूकना नहीं है किसी को भी, ओके। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला ये है, अब ये इसका इससे कोई लेन देन नहीं है, पी ए बाय बी यानी ए निकालना है और क्या गिवन है, क्या ऑलरेडी हो चुका है, बी हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। आओ अब हम करेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 12 से, नोट कर लिए तो आगे चलूं। हाँ, नोट्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, आई गेस 5 सफिशिएंट रहेंगे, 4 पेजेस भी रहेंगे काफी। चलिए क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, ध्यान से पढ़िए। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, क्या मतलब इस लाइन का, एज्यूम करो कि जो चाइल्ड है वो क्या होगा, या तो बॉय होगा या गर्ल। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, अगर फैमिली के बच्चे दो, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। इसकी बात में करते हैं, पहले क्या बात करिए क्वेश्चन ने, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, दो, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर दो बच्चे हो क्या क्या होंगे, जल्दी बोलो, क्या बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल। बोले यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, क्या चांस है कि दोनों क्या हो जाए, गर्ल्स हो जाए, यहां तक क्लियर, कंफ्यूज है वो, ओके। गिवन दैट, गिवन अब क्या गिवन है, यंगेस्ट इज अ गर्ल ए, ए क्या है, बोथ आर गर्ल्स, इसको दो वे से कराऊंगा राइट, और बी क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। बेटा सबसे पहला मेरा इतना सवाल है, मेरे को ये बताओ निकालना क्या है, बी ए बाई बी या बी बाई ए, पहले तो इतना बताओ, बी बाई ए, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, आओ, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ आर कि दोनों क्या हो, गर्ल, तो गिवन दैट, गिवन क्या है बेटा, यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो गिवन होता है वो बाद में लिखा जाता है, यानी निकालना क्या है पहले, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ए बाय बी, काम ना गलत बोल रहे हो, कुछ कंफ्यूज, पूछो, क्लियर, ठीक है, ये निकालना है, पहले मेरा तरीका फिर फॉर्मूले से, दोनों तरीके से कराऊंगा, जो पसंद है वो करना। मेरे तरीके में क्या है, जो गिवन वाला है, जो गिवन वाला है पहले उसके आउटकम्स लिख लो, गिवन क्या है मेरे बच्चा, गिवन गिवन किसको लेना है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट यंगेस्ट यानी छोटा, कौन सा होगा, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल। बोले यहां तक क्लियर, अब इस गिवन में से कंफ्यूजन, यंगेस्ट क्या मतलब क्या होता है, छोटी, तो जो पहले आएगा वो बड़ा होता है, छोटा होता है, आप बड़े, आपकी सिस्टर बड़ी, क्लियर है, ओके। वापसी आते हैं, गर्ल गर्ल बॉय गर्ल। अब मेरे को बताओ बेटा, इसमें से जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, बोथ आर गर्ल्स, इसमें से ए निकाल लो, क्या हो जाएगा, गर्ल गर्ल राइट। अब बताओ पी ए बाई बी कितना बना,
वन बाय टू, बोले यहां तक क्लियर, किसी को डाउट? ठीक है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है? अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो वैसे हो गया, नाम हो गया, मांगी किसकी है? क्या होने चाहिए? दोनों दोनों गर्ल्स होने चाहिए, तो ए हो गया। पॉइंट क्लियर? हाँ, अब पिछले वाले क्वेश्चन जो मैंने करा था उसमें फर्क क्या था सर, आइए जानते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ मैंने उल्टा लिया हुआ था, यहाँ पे ए गिवन लिया हुआ था और बी निकालना था, इवन नंबर। पॉइंट क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको फाइंड करना है वो आगे लिखते हैं, जो गिवन होता है उसको पीछे लिखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी उसकी ट्रांसलेट करो फिर आगे समझ में। क्लियर? अच्छा, अब इसको एक बार फॉर्मूले से कराऊं, ऑल्टरनेटिव इसी का। अगर फॉर्मूले से करना है कैसे, अब देखो फॉर्मूले से कैसे होता है, पहले ए वन लिख लिया, ए क्या बोथ गर्ल्स, यानी कितने हो गए गर्ल गर्ल, इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मली प्रायोरिटी क्या होती है इसकी, वन बाय फोर। समझ आया वन बाय फोर कैसे, आपको आया? टोटल आउटकम्स कितने, वन बाय फोर, राइट। अच्छा, अब बी, बी क्या मेरा बच्चा, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी जी जी और बी जी, कितना हो जाएगा इसकी प्रायोरिटी, पी बी, टू बाय फोर। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज करा था, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है पहले बताओ, कॉमन, पी ए इंटरसेक्शन पी बाय पी बी, यही था ना फॉर्मूला। देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में एरो कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, जी जी, अच्छा मेरे को बी जी बोला उसने, जी जी, राइट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती, वन बाय फोर। ओके, अब फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, पी ए बाई बी का क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, वन बाय फोर, पी बी में टू बाय फोर, कट गया, आंसर आ गया वन बाय टू। दोनों चॉइस आपके पास है, जोन सा अच्छा लगे वो करो। ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ, बच्चे ने पूछा वन बाय फोर कैसे आया, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन जो दोनों में आ रहा है। क्लियर? इसे नोट करो, सेकंड पार्ट इसका करके दिखाओ, देखते कितने बच्चों को आया। और ध्यान रखना ये स्टार्टिंग में टाइम लेता है, प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करते हैं ना हल्का हल्का टाइम लगता है, और जैसे ही स्पीड पकड़ते हैं उसके बाद ये फिर फास्ट चलता है एकदम। सेकंड पार्ट का डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बेटा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बोथ गर्ल्स हो, राइट, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, और क्या चीज गिवन है मेरे को, एटलीस्ट एक क्या है गर्ल है, यानी इस बार ए हो गया बोथ गर्ल्स, और बी क्या हो गया इस बार एटलीस्ट वन गर्ल। अपना वाला तरीका या फॉर्मूले वाला, अपना वाला मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके आउटकम्स लिखेंगे, गिवन के फाइंड के, गिवन के लिखना, एटलीस्ट वन गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की हो, क्या क्या आउटकम्स आए, जी जी, जी बी और जी जी, कितने बच्चों ने करा, ठीक है, जी जी, बी जी एंड जी बी, बोथ गर्ल्स, अब इसमें से ए निकाल लो, दोनों ही लड़कियां, जी जी, तो पी ए बाई बी कितना बना, वन बाय थ्री। क्लियर? फॉर्मूले से कराओ या एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते फिर ये करते, मैं उसको ना काम ही छोटा कर दिया, मैंने उसके चार स्टेप कम कर दिया सीधा। चलो एक क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ राइट नाउ, टाइम देता हूँ।